वेलकम टू माई चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिनाइल के बारे में और डिफेंस मैकेनिज़म की। ये एक जी टाइप है, तो एक इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। डिनाइल इज़ एक्चुअली डिफेंस मैकेनिज़म वेयर द पर्सन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट और एक्नॉलेज अ रियलिटी और ट्रूथ दैट कॉजेज अ डिस्ट्रेस। सो बेसिकली डिनाइल जो है इसमें ये है, डिनाइल का वर्ड ही ये शो कर रहा है दैट यू आर रिफ्यूजिंग समथिंग, राइट? यू आर नॉट एक्सेप्टिंग समथिंग एंड वट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग एक्चुअली थिंग that would destroy and that would cause distress in your life and that would create anxiety in your life. That's why you are denying that fact, right? You refuse to accept that कि denial में आप किसी चीज़ को accept नहीं कर रहे, ठीक है? It means that कि आपने ना आपकी लाइफ में कुछ ऐसे challenges हैं जो आपकी लाइफ में anxiety ला सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत bad हैं या कोई भी ऐसी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि आपको बहुत एंग्जाइटी में ले जाएगी। लेकिन आप ये कर रहे हो, आप उस चीज़ से बचने के लिए आप उस चीज़ को डिनाई कर रहे हो, ठीक है? आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। आप कह रहे हो ये चीज़ है ही नहीं है, ये करेक्ट है ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेट्स सपोज कि एक पर्सन है, उसको मल्टीपल टाइम्स किसी डॉक्टर ने बताया कि आपको एक सीरियस डायग्नोज एंड यू हैव टू हैव योर प्रॉपर ट्रीटमेंट, ठीक है? स्टिल दैट पर्सन इज डिनाइंग कि नहीं, डॉक्टर्स आर रॉन्ग, आई एम जस्ट ओके, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे तो जस्ट माइनर सिम्टम्स हैं इसकी, डॉक्टर को पता ही नहीं है इन चीज़ों का, डॉक्टर ही गलत कह रहा है, ठीक है? तो इट मीन्स दैट ही इज़ एक्चुअली ब्लेमिंग द डॉक्टर एंड ही himself doesn't know कि what he is facing और क्या क्या चीज़ें उसकी लाइफ में हो रही हैं। तो यही चीज़ होती है कि denial में आप next person को blame कर रहे हो, और अगर आपको कोई चीज़ एक truth एक reality दिखाई जा रही है तो आप उस चीज़ को accept नहीं कर रहे होते। आप कह रहे हो कि no that's wrong, मुझे पता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो यही चीज़ होती है denial में कि let's suppose कि एक person है, वो एक toxic relationship में है, ठीक है? उसको बताया जा रहा है, उसके फ्रेंड, आजकल तो बेसिकली फ्रेंड्स ही जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर बने होते हैं और वो उसको गाइड कर रहे होते हैं कि नो नो यू शुड अवॉइड दिस रिलेशनशिप, के ये आपको ये इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, दैट पर्सन इज़ नॉट वैल्यूइंग यू, दैट पर्सन इज़ डी वैल्यू कर रहा है आपको, या आपकी सेल्फ इस्टीम को हार्म कर रहा है, वो तुम्हारे साथ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। इट मीन्स दैट यू शुड अवॉइड दिस रिलेशनशिप, ठीक है? कोई फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर जो भी है, आपको इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा काउंसलिंग कर रहा है आपकी, स्टिल यू आर सेइंग नो, इफ़ ही इज़ यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज टू मी इट मीन्स दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल, दैट्स माई मिस्टेक, ठीक है? आप ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, आप इस चीज़ की तरफ जा ही नहीं रहे कि वो पर्सन गलत कर रहा है। आप कह रहे हो नो एक्चुअली ही इज़ डूइंग दिस बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर, मैंने गलत किया था, मुझे उसके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, तो अगर मैंने उसके साथ ऐसे बिहेव किया तो इट मीन्स दैट आई डिजर्व दिस, ठीक है? तो ये चीज़ है कि आप दूसरी साइड को नहीं देख रहे, आप जस्ट एक चीज़ को लेके कह रहे हो बिकॉज यू आर एडिक्टेड टू दैट रिलेशनशिप, दैट पर्सन, दैट्स वाई यू आर जस्ट डिनाइंग एवरी साइड इफेक्ट और एवरी रॉन्ग थिंग अबाउट दैट। तो ये एक इंटरेस्टिंग था इजी सा कंसेप्ट था। इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।